पुंछ में 3 महीने गुजरने के बावजूद भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं नेका नेता एजाज अहमद जान ने भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में शामिल होकर उनका साथ दिया। इन कर्मचारियों ने गुरुवार को एक बार फिर भारी संख्या में पुंछ में सड़क पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान नेका नेता एजाज अहमद जान ने भी धरनों और प्रदर्शनों का कारण मौजूदा सरकार की विफल पॉलिसियों का नतीजा बताते हुए कहा कि यदि हालात खराब होते हैं तो इसके लिए सीधा जिम्मेदार राज्य की PDP और BJP वाली गठबंधन सरकार होगी। जब कभी जो ये वुमेन्स होती हैं और जो औरतें हमारी माएँ बहनें हैं, ये इतिहास गवाह है। जब ये सड़क पे आए, ये उस वक्त आते हैं जब पानी सर से ऊपर हो जाए। और मैं आज की आपकी इस मीटिंग की यहाँ पे बैठ के मीडिया के हवाले से और एजेंसीज के हवाले से इस हुकूमत को कहना चाहता हूँ, क्या चाहती है ये हुकूमत कि इस रियासत में अमन चैन खराब हो? कि क्या हमारी माएँ बहनें बंदूक उठाएँ, ये बंदूक उठा के चलें, गोली चलाएं? मैं इस हुकूमत को लानत भेजता हूं जो हमारी बहनों की गाँव की बातें नहीं सुन रही है, ये क्या सुनेगी? और इन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं। मैं आज एक और कंडेम करता हूं कि मैंने सुना पिछली बार जब यहां पे गवर्नमेंट के मिनिस्टर यहां पे आए हुए थे, उन्होंने यहां पे पॉलिटिकल जलसा किया, उसमें दुनिया जहाँ का झूठ बोला और आप जो माएँ बहनें बाहर खड़ी रही, कभी आपको डाक बंगले भेजा, कभी आपको इधर भेजा, और पुलिस का इस्तेमाल करके यहाँ से मिनिस्टर भागे।